लखीसराय जिले के सुजगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर किउल थाना के अंतर्गत ग्राम बसमतिया से एक नक्सली को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अनंत कुमार पिता रामशीष यादव उर्फ सिंघो यादव बताया जा रहा है, जो कि नक्सल कांड समेत कई गंभीर कांडों में नामजद या वंचित सहित वर्तमान में शराब के धंधे में सम्मिलित मोटरसाइकिल से शराब खरीदने और बिक्री करने का कार्य के जुल में गिरफ्तार किया है। इसके साथ एक और भाई जिसका नाम नुनूलाल कुमार पिता रामाशीष को भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में लखीसराय एसपी पंकज कुमार ने बताया कि सुजगरा थाना अध्यक्ष राजीव कुमार को गुप्त सूचना मिला था कि बसमतिया ग्राम में अपराधी अनंत मौजूद है। इसके सत्यापन को लेकर सुबह में रामपुर रेलवे फाटक के पास उक्त अपराधी अनंत कुमार और नुनूलाल कुमार दोनों पिता रामाशीष उर्फ सिंघो यादव को एक मोटरसाइकिल और शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व अनंत कुमार पर नक्सली के साथ मिलकर चानन थाना में ट्रक जलाने, पुलिस पर फायरिंग सहित हमला से संबंधित कांडों का आरोपित वांछित अपराधी है, जिस पर लखीसराय में 2, कजरा में 2, सुजगरा में 2, धरारा मुंगेर में 1 मामला दर्ज है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ करने पर पता चला कि अनंत 2 नक्सली कांड में पहले रहा है, 1 कजरा थाना क्षेत्र में, 1 चानन थाना क्षेत्र में। इसके अलावा इसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। नक्सली गतिविधि के बाद जब पुलिस की कार्रवाई नक्सलियों के विरुद्ध होने लगी, तो ये नक्सली धारा से थोड़ा हट के इन्होंने चोरी करना शुरू किया। कई एक वाहन चोरी किए। इसका कार्यक्षेत्र लखीसराय के साथ साथ मुंगेर भी रहा है और कई एक मामले में ये वांछित भी है। वर्ष 2018 में जून में कजरा थाना क्षेत्र में आमा टोला बरमसिया में सर्च अभियान के दौरान नक्सली और पुलिस के बीच, पैरामिलिट्री फोर्स के बीच मुठभेड़ की घटना हो गई थी। उक्त मुठभेड़ में उस समय 2 राइफल भी बरामद हुआ था और उक्त मुठभेड़ का अनंत जो गिरफ्तार है, नामजद अभियुक्त है, उस घटना में शामिल था। चानन थाना क्षेत्र में भी वर्ष 2018 में ही मई माह में जानकी डीज क्षेत्र में बेलड़िया में 20 सड़क पर लगे 2 ट्रक को लेवी मांगने के नाम पे नक्सलियों द्वारा जलाया गया था और मारपीट की घटना हुई थी। जेसीबी में भी आग लगाया गया था। उक्त घटना में भी अनंत, जो बसमतिया निवासी है किउल थाना क्षेत्र का, नामजद है। 2 नक्सली घटनाओं में यह शामिल रहा है। इसकी गिरफ्तारी सूरजगढ़ा पुलिस, सूरजगढ़ा थाना अध्यक्ष, सूरजगढ़ा सर्किल इंस्पेक्टर और वहां के पदाधिकारियों के द्वारा की गई है। इसकी गिरफ्तारी से हालांकि नक्सली कांड में यह वांछित था, वर्तमान में यह अपना एक गिरोह बनाकर शराब की तस्करी तो करता ही था, वाहन चोर गिरोह का भी संचालक था। सूरजगढ़ा पुलिस के द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है। इसकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी की घटनाओं में तो कमी आएगी ही, साथ ही शराब तस्करी के मामले में भी रोक लगेगी। टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मी को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा।